नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं मैनेजरियल रोल्स बाय मिंट्सबर्ग। सब्जेक्ट चल रहा है बिजनेस मैनेजमेंट और ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पे आपका सिलेबस बिजनेस मैनेजमेंट का। यूनिट वन में यहाँ पर लिखा हुआ है मैनेजरियल रोल्स मिंट्सबर्ग, तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं। लिखा हुआ है इसको मैं इधर कर लेता हूँ। हाँ, अब इसे पढ़ाने से पहले मैं आपसे कुछ बात बताता हूँ। एक ट्रेडिशनल वुमेन के क्या काम होते हैं, एक औरत के 10 काम होते हैं। सबसे पहले हम वही पढ़ते हैं एक औरत के क्या क्या काम होते हैं। एक मैनेजर के कितने काम होते हैं, 10 काम होते हैं। किसने कहा, मिंट्सबर्ग ने कहा। मिंट्सबर्ग ने कहा एक मैनेजर के 10 काम होते हैं। तो रोल ऑफ मैनेजर की डेफिनेशन क्या हुई, रोल ऑफ मैनेजर रेफर्स टू रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजरियल पोजिशन। तो अब पढ़ते हैं मैनेजरियल रोल्स बाय मिंट्सबर्ग। मैनेजरियल रोल्स किस बुक में कहा, ये है नेचर ऑफ मैनेजरियल वर्क। ये बार बार मैं जो बात बता रहा हूँ ये MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और MCQ के लिए नहीं तो ये जो आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा उसके लिए PDF आप मुझसे ले सकते हो। तो मैनेजरियल रोल्स आर वेल डिफाइंड बाय मिंट्सबर्ग इन दिस बुक। बुक का नाम याद रख लेना, नेचर ऑफ मैनेजरियल वर्क। बुक का नाम है नेचर ऑफ मैनेजरियल वर्क। पूरा नाम है इसका हेनरी मिंट्सबर्ग। ये कौन थे, मैनेजमेंट ऑथर थे, प्रोफेसर थे। कौन सी यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर थे, मैकगिल यूनिवर्सिटी में। ये बताइए ये किस कंट्री के प्रोफेसर थे, आंसर है कनाडा के प्रोफेसर थे। इन्होंने कितनी बुक लिखी है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। वैसे मैं बता रहा हूँ 30 से ज़्यादा बुकें लिखी हुई हैं बिजनेस और मैनेजमेंट के ऊपर। इन्होंने बहुत बुक्स लिखी हुई। मिंट्सबर्ग ने कितने रोल्स बताए हैं, देखिए तीन, ये देखो आप 1, 2, 3, 4, उधर 3 और उधर भी 3, तो टोटल कितने रोल्स हो गए, 10 रोल्स हो गए। फिगर हेड, लीडर, लाइसन, मॉनिटर, डिसिमिनेटर, स्पोक पर्सन, इंटरव्यू, डिस्टर्बेंस, सेंट्रल रिसोर्स एलोकेटर, नेगोशिएटर। 10 रोल्स को अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया। 3 रोल तो ऐसे हैं जिसमें हम कुछ इंटरपर्सनल, देखो मैंने फोटो लगाई हुई है एक आदमी दूसरे आदमी से हाथ मिला रहा है। 3 रोल तो ऐसे जिसमें रिश्ते बनाते हैं। अगले 3 रोल ऐसे हैं जिसमें हम कुछ बातें बताते हैं या कुछ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। जैसे छज्जे पर बैठकर, अच्छा कल्लू की लड़की कहाँ घूम रही है, ये इंफॉर्मेशन का पार्ट है। डिसिमिनेटर, बात इंफॉर्मेशन कैसे बताता है, अरे आपको पता है कल्लू की लड़की ना वहाँ घूम रही थी और उसकी मम्मी को, अरे तेरी छोरी कहाँ घूम रही है, तो इन्फॉर्मेशन की बात है। ये अगली पॉइंट्स में आ गई। तीसरा होता है डिसीजनल। डिसीजनल मतलब जहाँ पे एक मैनेजर एक डिसीजंस लेता है। डिसीजंस पढ़ेंगे कौन कौन से डिसीजंस। फिलहाल मैंने लिखा हुआ है 3 कैटेगरीज कंसिस्ट ऑफ टोटल 10 डिफरेंट रोल्स। 10 रोल्स हैं और उन 10 रोल्स में कितनी कैटेगरीज हैं, उस 10 में है 3 कैटेगरीज अंडर 10। मैनेजर जो है वो अपने स्किल्स लगाता है कोई भी काम करने के लिए। मैं कुछ भी काम करूंगा अपनी स्किल्स लगाऊंगा। मैंने जिस तरह आपको स्किल क्या लगाई, मैंने क्या स्किल लगाई, मैंने पहले एक वुमेन का एग्जांपल लिया ताकि आपको रोल अच्छे से समझ आ जाए। इसी प्रकार मैनेजर जब अपने ऑफिस में बैठा रहता है वो भी अपनी स्किल्स लगाता है। अब 3 कैटेगरीज का नाम याद रख लीजिए, MCQ में आएगा। बताइए इनमें से कौन सी कैटेगरी नहीं है। ऑप्शन आएगा इंटरपर्सनल, इन्फॉर्मेशनल या डिसीजनल। तो आपको याद है इंटरपर्सनल, इन्फॉर्मेशनल और डिसीजनल, तो आंसर हो गया जो भी चौथा होगा। रट लीजिए इंटरपर्सनल, इन्फॉर्मेशनल, डिसीजनल। आगे चलते हैं। इंटरपर्सनल के अंदर कौन कौन सी है, ये भी MCQ का पार्ट है। इंटरपर्सनल के अंदर आता है फिगर हेड, लीडर, लाइसन। इंफॉर्मेशन के अंदर आता है मॉनिटर, डिसिमिनेटर, स्पोक पर्सन। डिसीजन के अंदर आता है एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर, नेगोशिएटर। चलिए एक एक करके अब हम इन रोल्स को पढ़ते हैं। रोल्स हैं टोटल 10। इंटरपर्सनल रोल्स, पहले हम पढ़ते हैं फिगर हेड। फिगर हेड सबसे पहले मैंने जो आपको रोल बताया था ये बताया था, एक औरत शादी अटेंड करती है, किसी का बच्चा हुआ उस अटेंड करती है, बर्थडे पार्टी हुई उसको अटेंड कर। मैं बता रहा हूँ कोई भी सेरेमनी होती है, किसी की हल्दबान हुआ, हल्दी हुई, सगाई हुई, अरे किसी के मरने में चले गए, सेरेमनी अटेंड की। विच हैज, जिससे कुछ हमारा भी फायदा हो। जैसे मैंने कहा रिश्तेदारों की शादी अटेंड इसलिए की ताकि जब हमारे लड़कों की शादी हो, हमारे बच्चों की शादी हो, तो वे भी हमारे यहाँ भी आए, वरना रिश्तेदार कहेंगे देखेंगे कैसे रिश्तेदार है। ऐसे ही अब पढ़िए रोल नंबर 1। रोल नंबर 1 में लिखा हुआ है एक मैनेजर फिगर हेड का रोल तब करता है जब वो ऐसी काम करते हैं जैसे कि अटेंडिंग सेरेमोनियल फंक्शन, किसी की शादी अटेंड कर ली, सगाई अटेंड कर ली, पर ऐसे नहीं कोई भी फंक्शन कर लिया। विच हैज़ ए सिम्बॉलिक नेचर, विच हैज़ ए सिम्बॉलिक नेचर। सिम्बॉलिक मतलब होता है जो पर्दे के पीछे हो। जैसे अगर मैंने कहा लाल रंग, तो आपको तो लाल रंग दिख रहा है, ये मेरा लाल रंग, तो पर लाल रंग का मतलब डेंजर होता है, ये उसका सिंबल है, ये उसका क्या है, सिंबल। अब मैंने कहा ब्लू कलर, ब्लू कलर जो है वो एक विश्वास का प्रतीक है, तो वो उसका सिंबल है। तो हमने ऐसे नहीं कहा कि मैनेजर अपने रिश्तेदारों की शादी अटेंड कर रहा है ना, मैनेजर अपने किसी क्रेडिटर के, किसी एम्प्लॉय के,
ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर कोई ऐसी शादी अटेंड कर रहा है विच हैज़ ए सिम्बॉलिक नेचर, जिसके पीछे कुछ और गहरा राज हो, क्या पता हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा हो। इतनी बात आगे समझ में, ऐसे सेरेमोनियल फंक्शन विच हैज़ ए सिम्बॉलिक नेचर, जो जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है वो एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ये अंडरलाइन किया हुआ है सिम्बॉलिक नेचर, इसका मतलब एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। समटाइम्स मैनेजर क्या करता है, ग्रीट विजिटर्स को ग्रीट करता है, आइए आइए जी आइए। सोशल फंक्शन को अटेंड करता है एम्प्लॉय, किसकी, एम्प्लॉयज की, किसी बॉस की, किसी अपने कलीग्स की। तो ये होता है फिगर हेड। नेक्स्ट पढ़ते हैं लीडर का काम करता है। जैसे एक वुमेन क्या काम करती है, बच्चों की पढ़ाई करने के लिए उन्हें मोटिवेट करती है, क्या करती है, मोटिवेट करती है। ऐसे ही एक लीडर मोटिवेट करता है, सर किसको करता है, अपने सबॉर्डिनेट को। सर सबॉर्डिनेट का क्या मतलब है, सबॉर्डिनेट मतलब जो हमारे से नीचे काम करते हैं, जो हमारे जूनियर हैं एक तरह से, और जो सीनियर होते हैं उसे हम कहते हैं सुपीरियर, सबॉर्डिनेट सुपीरियर। चलिए, तो लीडर क्या काम करता है, लीड करता है, मोटिवेट करता है ताकि एम्प्लॉयज और अच्छे से काम करें। अगला है लायसन। लायसन जैसे एक औरत क्या करती है, एक औरत पड़ोसनों से बात करती है, कहना मतलब बात करती है। तो लायसन में एक आदमी क्या करता है, बाहर वालों से बात करता है, क्या करता है, बाहर वालों से बात करता है, केवल अगर मीडिएट का काम कर रहा है अपनी कंपनी और कंपनी से बाहर के बीच में। हम बात कर रहे हैं कंपनी और कंपनी से बाहर के बीच में, जो लिंक है वो मैं हूँ, अपनी कंपनी के बिहाफ पे मैं बात कर रहा हूँ बाहर वालों से। सर बाहर वाले कौन, क्रेडिटर से, डेटर से, बैंक वालों से, बैंक लोन लेने गया था उससे, एनबीएफसी से, बैंक, अपने कंपनी के रिलेटेड मैं हूँ उसका प्रत्याशी। अगली लाइन लिखी हुई है, मैनेजर परफॉर्म लायसन रोल वाइल इंटरेक्टिंग विद अदर मैनेजर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन टू ऑब्टेन फेवर्स एंड इन्फॉर्मेशन। एक मैनेजर लायसन का रोल तब करता है जब वो बाहर दूसरे मैनेजर से, देखिए मेरी कंपनी का नाम है ए, दूसरी कंपनी का नाम है बी, तो जब मैं बी के मैनेजर से बात कर रहा हूँ तो उस समय भी मैं किस, कौन सा काम कर रहा हूँ, लायसन का काम कर रहा हूँ। सर हम बात क्यों कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ताकि हमें कुछ फेवर मिल जाए, कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, समझ रहे हो, बहुत काम होते हैं कंपनी के अंदर। सर फिगर हेड भी ऐसी था, ना ना ना, फिगर हेड में हम कोई क्या कर रहे थे, कोई सेरेमोनियल फंक्शन अटेंड कर रहे थे, क्या कर रहे थे, कोई सेरेमोनियल फंक्शन, सॉरी सेरेमोनियल फंक्शन क्या कर रहे थे, हम अटेंड कर रहे थे, और वो वाले जिसका कोई सिम्बॉलिक नेचर हो, जिसके पीछे कुछ और मतलब छुपा हो हमारा। चलो तीन बात हो गई, अब बात करते हैं इन्फॉर्मेशन के बारे में, इन्फॉर्मेशनल रोल्स। इन्फॉर्मेशनल रोल्स मतलब जब हम कोई इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हों या इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हों। दोबारा सुनो, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हों या इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहला है मॉनिटर। मॉनिटर क्या करता है, मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, मॉनिटर कर रहा हूँ। जब लोग रेकी करते हैं एक दूसरे देश में जाकर, तो वे मॉनिटर करते हैं, देख रेख करते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, वो छज्जे पर खड़े होकर भी मैंने क्या करती है, अच्छा ये कल्लू की लड़की देखो क्या किससे बात कर रही है, 7 दिन हो गए देखते देखते रोज बात कर रही है, ये मॉनिटर का काम है। जब एक मैनेजर क्या करता है, अपने मजदूरों को देखता है, ये काम भी कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, टॉयलेट कहा था जाने के लिए आधा घंटा हो गया भाई साहब आया नहीं है, ये मॉनिटर का काम है। ओ भाई साहब ये बीड़ी वीडी बाद में पी लिए, बात बाद में कर लेना, ये मॉनिटर का काम है। क्लास मॉनिटर का क्या काम होता है, क्लास मॉनिटर आपकी क्लास में होगा, ब्लैक बोर्ड पे नाम लिख देता था पीयूष, फिर वो कहता था ओ भाई मेरा नाम मत लिखो, 10 रुपये पेटीज खिलाऊंगा, तो नाम मिटा देता था, मतलब मैंने भी मिटो है। तो मॉनिटर का काम करता था, क्लास मॉनिटर मतलब जो क्लास को मॉनिटर करे, मॉनिटर एक वर्ब है, मॉनिटर मतलब देख रेख करना, तो क्लास मॉनिटर का मतलब आप आज समझ गए होंगे, क्लास को जो मॉनिटर करे वो क्लास मॉनिटर है। चलिए, तो एक मैनेजर भी इन्फॉर्मेशन को देखता है, रिसीव करता है, इतनी बात आपको समझ आ गई। इससे क्या फायदा होता है सर, अरे यार मैनेजर अगर कोई मॉनिटर का काम करेगा तो उसके अपने एम्प्लॉयज के बारे में, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अकल तो आ जाएगी। अगर मैं ये देख रहा हूँ कि दो आदमी साथ जाते हैं, लेट आते हैं, लेट जाते हैं, ये चक्कर क्या है, ये मॉनिटर करने से पता चलता है। अगले पे चलते हैं, डिसिमिनेटर। देखो मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, मैंने एक औरत ने देख लिया, अच्छा ये लड़की 7 दिन हो गए रोज कल्लू लड़के के साथ, अरे कहाँ भागती है, अब मैं क्या करूँगा, अब औरत क्या करेगी, अपने पति को बताएगी, सुनो जी मैंने देखा था जी कल्लू की लड़की वहाँ घूमती रहती है, पता नहीं किसके साथ, हंस हंस के बातें करती है। फिर कल्लू फिर उसकी लड़की की माँ को बताएगी, अरे अपनी लड़की को संभाल ले। ये जो बातें हैं ना दूसरों में चुगली करने की, बातें बताने की, इसे ही हम कहते हैं डिसिमिनेटर। कोई भी बात पता चले सब जगह फैला दो, ढिंडोरा पीट दो सब जगह, ढिंडोरा पीटने को कहते हैं डिसिमिनेटर। अब देखिए गलत बात मैं
अब मैनेजर क्या करता है, सही चीज़ सुनो, मैनेजर क्या करता है, एक मैनेजर इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है, एमसीक्यू के लिए याद रख लो, ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है, हर दिशा में ट्रांसमिट करता है, किसे कर सकता है ट्रांसमिट, भाई साहब अपने से नीचे वालों को, आई मीन सबॉर्डिनेट को, इधर देख रहा हूँ मैं पियर्स को, पियर्स मतलब कौन होते हैं, अपने बराबर वाले, देखो अपने से नीचे वाले, अपने से बराबर वाले पियर्स होते हैं, और अपने से ऊपर वाले सबॉर्डिनेट, पियर, सुपीरियर, तीन वर्ड आ गए समझ में, सबॉर्डिनेट, पियर, सुपीरियर, अपने से नीचे वाले, बराबर वाले, ऊपर वाले, तो इन तीन में इन्फॉर्मेशन, मतलब किसी को नहीं छोड़ा, नीचे भी बात पहुंचा दी, बराबर में भी बात पहुंचा दी, ऊपर भी बात पहुंचा दी, तीनों जगह बात पहुंचा दी, इसको कहते हैं डिसिमिनेटर। अब ऑफिस में ऐसे ऐसे काम थोड़ी होते हैं कि कौन किसके साथ जा रहा है, वहाँ काम होते हैं कि फैक्ट्री में माल खत्म हो गया सबको बता दिया, आग लगी है सबको बता दिया, कोई दिक्कत आ गई सबको बता दी, एक नया एम्प्लॉय आया सबसे मिलवा दिया, तो बातें बताना यही होता है, कोई बुरी बात नहीं है, वो तो मैंने एग्जांपल के लिए बताई थी, वरना यहाँ सब पॉजिटिव अच्छी अच्छी बातें होती हैं, कहीं आप समझो कि ऑफिस में भी ऐसी ऐसी बातें होती हैं, वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं। चलो, तो मैनेजर डिसिमिनेट का काम करता है, डिस्ट्रीब्यूट इन्फॉर्मेशन का काम करता है सबॉर्डिनेट को। अच्छा, आप कहोगे कि मैनेजर ऐसा काम क्यों करता है, मैनेजर ये क्यों करता है, इन्फॉर्मेशन अपने से नीचे वालों को देता है सबॉर्डिनेट को, इसका आंसर क्या है, आंसर लिखा हुआ है क्योंकि, क्योंकि कई बार वे उस हालत में नहीं होते कि वो उसको कलेक्ट कर लें। अब कुछ बातें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपनी की मीटिंग रूम के अंदर होती है जो कि 10-12 लोग बैठे हैं, उन मजदूरों को क्या ही पता, उन सबॉर्डिनेट को क्या पता कि क्या बात हुई है, तो मेरी तो जिम्मेदारी है ना कि मैं अपने से नीचे वालों को बताऊंगा, ऊपर वालों को ज़्यादा बताने की बात पड़ती है जब नीचे कुछ हो जाए, मान लो एक मजदूर नौकरी छोड़ के चला गया, या मजदूर छोड़ो कोई नौकरी करता है, कोई अकाउंटेंट है, कोई सीए ही है, वो नौकरी कर रहा है लोअर लेवल मैनेजमेंट में, वो कंपनी छोड़ के चला गया, तो ये बात मैं अपने जाके बॉस को तो बताऊंगा ना, तो ये भी एक डिसिमिनेटर का पार्ट है, कोई भी बात किसी को बताना इसे हम कहते हैं डिसिमिनेटर। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, स्पोक्स पर्सन, स्पोक्स पर्सन मतलब जब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें बात बोलना, कोई हमें प्रेजेंटेशन देनी होती है, सर देखिए ये हमारी कंपनी का ये प्रेजेंटेशन है और अपने दीवार पर लिखाइए, देखा जैसे मैं ऐसे मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, देखिए मैंने आपको ये पढ़ा दिया, अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ डिसीजन रोल, हमारी कंपनी का आगे का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऐसा है, हमारी कंपनी देखिए 10 साल के बाद 10,000 करोड़ कमा लेगी, ये जो भी प्रेजेंटेशन देने के काम है ये होते हैं स्पोक्स पर्सन के, जब हम एक लीडर की तरह अपनी कंपनी के बिहाफ पर बात करते हैं, स्पोक्स पर्सन। डिसीजनल रोल्स, सर डिसीजनल रोल्स का क्या मतलब हुआ, डिसीजन रोल्स मतलब भाई साहब डिसीजन लेना। एंटरप्रेन्योर रोल्स, एंटरप्रेन्योर रोल्स मतलब एक मैनेजर मालिकों वाला काम भी करता है, कैसे, कोई भी दिक्कत आई कंपनी में तो खुद से हैंडल करना, खुद से कोई काम करना, क्या लिखा है, टेक इनिशिएटिव, खुद से जिम्मेदारी लेना। जिम्मेदारी कौन लेता है, अपने बिजनेस की जिम्मेदारी लेता है जो खुद मालिक हो, पर कई बार मैनेजर की भी ये जिम्मेदारी होती है कि वो खुद को मालिक समझ के, मालिक नहीं है पर उसके अंदर ऐसी भावनाएं हैं कि हाँ यार मेरी ही कंपनी है, तो कई बार एक मैनेजर एंटरप्रेन्योर के रोल्स कर लेता है और जो भी बदलाव करने होते हैं वो बदलाव कर लेता है। अब देखिए मैनेजर को भी, देखिए कुछ भी आप कोई काम जोड़ोगे तो उसमें रिस्क है, तो मैनेजर को भी पता है कि उस काम को लिए रिस्क है, तो इतनी बात चलती है। बाहर की जो दुनिया है, आई मीन बिजनेस एनवायरनमेंट, वो डायनेमिक है, बदलती रहती है, चेंज होती रहती है, और मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग सुटेबल चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर की ये जिम्मेदारी है कि जो बदलाव बाहर आए हैं वो बदलाव अंदर भी आ जाए। जब पहले लोग खाते बनाते थे हाथों से, अब खाते बनाने लगे टैली सॉफ्टवेयर से, तो मैनेजर को दिखा यार आज भी हमारी कंपनी में 10 साल हो गए आज भी हाथों से खाते बनाए जा रहे हैं, तो उसने कहा नहीं लैपटॉप खरीद लो 10 अलग अलग, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है तो उसमें अकाउंटेंट्स को कहा भाई साहब आप ये छोड़ो अब आप सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर पर काम करना। तो ये जो काम है, ये जो बदलाव है, ये कई बार मैनेजर भी ले लेता है, किसके लिए, कंपनी की भलाई के लिए, तो कई बार मालिकों वाला काम कर लेता है एंटरप्रेन्योर रोल्स। अगला होता है डिस्टर्बेंस हैंडलर, दो मजदूरों की लड़ाई हो गई या फिर दो मिडिल लेवल मैनेजमेंट वालों की लड़ाई हो गई, भाई या तो कंपनी में तू ही रह ले या कंपनी में रह लूँ, जैसे एक मामले में दो बच्चों को संभालती है ना, और लड़ाई मत करो और चिंकू पिंकू दूर हटो, तो उसी तरह मैनेजर भी डिस्टर्बेंस को हैंडल करता है अनएक्सपेक्टेड क्राइसिस से। कई बार क्या हो जाता है, हाय हाय दिस वाली कंपनी, हाय हाय ये तो सैलरी बढ़ा दो, हमारी आय बढ़ा दो, हमारा वेतन बढ़ा दो, या भाई एक आदमी छत पर चढ़ गया भाई हमारा वेतन बढ़ाओ, मैं कूद जा, कोई भी दिक्कत अगर कंपनी में आ गई उस दिक्कतों को संभालना, मैंने अंडरलाइन क्या कहा हुआ है, अनएक्सपेक्टेड क्राइसिस, कोई भी दिक्कत आ गई जो बिना सोचे समझे आ गई उसको जो हैंडल करेगा, उसको जो हैंडल करेगा वो कौन करेगा, मैनेजर करेगा अंडर द हेडिंग डिस्टर्बेंस हैंडलर। अच्छा सर मैनेजर का और क्या काम है, मैनेजर के दो काम और बचे हैं, देखिए रिसोर्सेज का मतलब जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज, रिसोर्सेज मतलब समझिए इस बात को आप कहीं लिख लीजिए, रिसोर्स मतलब होता है काम की चीज़, रिसोर्स मतलब काम की चीज़,
अब एक कंपनी में काम की चीज़ क्या है, इंसान काम के हैं, अगर इंसान काम छोड़ के चले जाए तो दूसरे इंसान को समझने के लिए बहुत टाइम लगता है। हमारी मशीनें काम की है, हमारा रॉ मटेरियल काम का है, हमारा पैसा भी तो काम का है, तो जो काम की चीज़ है उसे हम कहते हैं रिसोर्स। रिसोर्स को एलोकेट करना, जैसे घर में कपड़े इस अलमारी में, नेल कटर इस वाले बैग में, हर चीज़ की अपनी अपनी जगह, किसको क्या करना है, तो ऐसे ही रिसोर्स को एलोकेट करना। अब मिस्टर ए का काम है कि उसको केवल ये देखना है कि लकड़ी सही से कट रही है कि नहीं कट रही, मिस्टर बी का काम है कि ये देखना कि मशीन में कोई दिक्कत आ तो रही नहीं, तो जो जिसका काम है उसको वो सौंपना, जिम्मेदारियाँ सौंपना। और पैसा ह्यूमन का बताते हैं फिजिकल, जो भी कोयला होगा वो इसके अंदर रखना, जो भी लोहे का सामान आएगा वो यहाँ रखना, जो रोबोट आएगी वो इसके अंदर रखना, तो काम को सौंपना, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो चाहे वो फिजिकल हो, और पैसे को भी, पैसे का भी रख रखाव करना। एक मैनेजर की बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आते हैं, उसमें एक जिम्मेदारी है रिसोर्सिस को अलग अलग एलोकेट करना। तेरा काम यहाँ, अच्छा ह्यूमन को एलोकेट करना, जैसे उन्होंने काम बांट देना, ह्यूमन काम की चीज़ है, ह्यूमन एक रिसोर्स है, उसको काम बांटना, तेरा काम केवल यही है तो यही करेगा। काम बांटना किसमें आएगा, रिसोर्स एलोकेटर में। अथॉरिटी को डेलीगेट करना वो किसमें आएगा, रिसोर्स में, कि तू जब भी कोई काम करेगा तू किसको किसको ऑर्डर करेगा या किसको बताएगा कि मैंने काम कर लिया, इसको बताएगा अथॉरिटी, इसको देना रिस्पॉन्सिबिलिटी देना। ये समझ गए आप। अगला भाई साहब मोल भाव, क्या मोल भाव का कहते हैं, बार्गेनिंग करना, है ना, सौदेबाजी। तो एक मैनेजर भाई साहब ये काम भी करता है, जब भी कुछ इनसाइडर के साथ भी और आउटसाइडर के साथ भी। सर इनसाइडर आउटसाइडर के साथ कैसे, आउटसाइडर के साथ मैं बताता हूँ, मैं कोयला खरीदने गया, मुझे बाजार में पता चला 30 रुपये किलो, मैंने कहा हैं भाई साहब 3 टन चाहिए था, 30 रुपये किलो बहुत महंगा है, आप एक काम करो 28 लगा लो। चलो 28 लगा लिया, ये तो हो गया आउटसाइडर। अब सर इनसाइडर का एग्जांपल दो, इनसाइडर का एग्जांपल सुनो। इनसाइडर का एग्जांपल कुछ ऐसा है, एक एम्प्लॉई सर मुझे नौकरी पर रख लो, मैंने कहा हाँ नौकरी पर रख लेंगे, बिल्कुल रख लेंगे, मैंने कहा 30,000 रुपये दे देंगे आपको, उसने कहा नहीं सर सर 40 चाहिए, मैंने कहा नहीं भाई ऐसा है देखो 32,000 में, देखो 32,000 में रखने रखो ना भैया हमारी कंपनी में जगह नहीं भाई साहब, 32,000 होते हैं, उसने कहा नहीं सर देखा 40,000 मैं इतना अच्छा काम करूँगा, मैंने कहा यार देखा लास्ट है 35 से ऊपर अगर तुझे हाँ तू हाँ नहीं भरता हो तो उठ ले, उठ ले तू यहाँ से। तो वैसे बिहेवियर ऐसे नहीं होता, उनका बिहेवियर नॉर्मल होता है, मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके दिखा रहा हूँ। तो नेगोशिएट तो वहाँ भी होता है ना, जब कोई नौकरी पे आता है तो इनसाइडर होते हैं उनके साथ मोल भाव करना। कई बार क्या होता है मजदूर कहते हैं मैं ये काम यहाँ से यहाँ कर लूँगा मुझे कितने पैसे मिलेंगे, मैंने कहा भाई साहब एक चीज़ उठाने के तुझे 1 रुपये मिलेगा एक काम करने के। तो उसने कहा दिन भर में मैंने देखो 1200 सिलाई कर ली तो 1200 रुपये हो गए। तो मोल भाव जो भी काम हो कंपनी के अंदर हो या बाहर हो उसे हम कहते हैं नेगोशिएटर। उस समय मैनेजर का काम होता है नेगोशिएटर। अब आपको देखो मैनेजर के 10 रोल थे, 10 में से मैंने 3 हेडिंग में पढ़ा दिए, 3 हेडिंग हो गई, देखो इंटरपर्सनल इन्फॉर्मेशन डिसीजन, तीनों मैंने पढ़ा दिए हैं, चैप्टर खत्म हो गया है। सर MCQ पढ़ा दीजिए, देखिए कुछ MCQs पढ़ा देते हैं, कुछ MCQs मैं पढ़ा देता हूँ। पहली बात तो क्या ये रोल सही है क्या, नहीं जी बिल्कुल सही नहीं है, पहली बात तो ये सही नहीं है क्योंकि ये सारे रोल्स केवल टॉप लेवल या मिडिल वालों के काम हैं, मैनेजर तो लोअर में भी होते हैं। और कुछ ऐसे काम हैं ये मिनट्स भर के रोल्स ना खराब हैं, बिल्कुल खराब हैं, 10 रोल नहीं है, 1 माह के 10 काम होते हैं क्या, 1,000 काम होते हैं। मिनट्स भर ने तो कह दिया 10 काम होते हैं, अब मैं बताऊँ और कौन कौन से काम होते हैं। एक मैनेजर कंट्रोलर का काम करता है, कोऑर्डिनेटर का काम करता है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर का काम करता है, मैनेजर को अप्रेच करने का काम करता है, पॉलिसी डिटरमाइन करना, स्ट्रेटजी बनाना, ये तो मिंट्सबर्ग ने बताया ही नहीं। अरे जो काम मिंट्सबर्ग ने नहीं बताया तो क्या वो मैनेजर के काम नहीं है, अरे हैं। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो मिंट्सबर्ग ने नहीं बताई पर मैनेजर के काम है, इस वजह से मिंट्सबर्ग के रोल्स बिल्कुल फ्लॉप हो चुके हैं, पिक्चर फ्लॉप हो चुकी है, कोई नहीं पढ़ाता, बस आपके सिलेबस में तो मैं पढ़ा रहा हूँ वरना कोई काम की चीज़ नहीं है। चलो जिसका थ्योरेटिकल पेपर था उसके लिए ख़त्म, बाकी समझने के लिए MCQ बहुत ज़रूरी है। चलिए MCQ की तरफ चलते हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो काफ़ी लंबा सा कमेंट करना पड़ेगा आपको कमेंट सेक्शन में, तब जाके आपको PDF मिलेगी बिजनेस मैनेजमेंट की हर एक वीडियो पर, बिना उसके मैं PDF आपको नहीं दूंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ये पक्का है। चलिए MCQ की तरफ चलते हैं। जिसके MCQ हैं, मैनेजरियल रोल्स किसने दिए, मिंट्सबर्ग ने दिए। मिंट्सबर्ग ने फिगर हेड परफॉर्म्स कौन सी ड्यूटी, मिंट्सबर्ग के हिसाब से फिगर हेड जो है वो कौन सी ड्यूटी करता है, ये पहली ड्यूटी है, वे वो वाली ड्यूटी करता है जो कि सिंबॉलिक हो, सिंबॉलिक मतलब पर्दे के पीछे कुछ और है हमारा मतलब सिंबॉलिक ड्यूटीज। मिंट्सबर्ग के हिसाब से मॉनिटर का क्या काम है, मॉनिटर का काम है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, अच्छा ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है। मिंट्सबर्ग के हिसाब से एक गुड डिसीजन मेक्स इट ऑल्सो ए,
डिस्टर्बेंस देखे हैंडलर पहले से लगाया है, ये बहुत आसान है चाहे हम क्वेश्चन भी ना पढ़े, हैंडलर वर्ड लगाए हैंडलर और यहाँ लिखा है मिंट्सबर्ग, मिंट्सबर्ग भी लिख दिया, हैंडलर लिख दिया, हमें पता है डिस्टर्बेंस हैंडलर कितना आसान सा है। कह रहे हैं इन्फॉर्मेशन कौन सा नहीं है, ओहो इन्फॉर्मेशन कौन सा नहीं है, मैंने कहा था आपको रट लो, मॉनिटर डिसमिनेटर स्पोकस, तो डिस्टर्बेंस हैंडलर जो है वो मॉनिटर के अंदर नहीं आता। दोबारा से दिखाऊँ इन्फॉर्मेशन के अंदर कौन सा आता है, इन्फॉर्मेशन के अंदर आता है मॉनिटर डिसमिनेटर स्पोकपर्सन, मॉनिटर डिसमिनेटर स्पोकपर्सन, तो मॉनिटर डिसमिनेटर स्पोकपर्सन यहाँ पे आ गया, तो इसका मतलब बाकी नहीं है, कितना आसान है। अगले की तरफ चलते हैं, डैश द इंपॉर्टेंट इंटरपर्सनल रोल्स, इंटरपर्सनल कौन कौन से हैं, लीडर लाइस एंड फिगरेट, तीनों के तीनों इंटरपर्सनल है। मिंट्सबर्ग के हिसाब से मैनेजरियल रोल्स कितने हैं, मैनेजरियल रोल्स 10 हैं, रोल्स देखा था 10 ऑप्शन में नहीं है, तो मतलब कैटेगरीज बता दो, तीन रोल्स की कैटेगरीज हैं। लाइसन के क्या फंक्शन है, लाइसन का काम होता है दुनिया को बाहर से, बाहरी दुनिया से बात करना, लाइसन का काम है बाहरी दुनिया से बात करना। एक बात लिख के देता हूँ, ये वाला जो एमसीक्यू है ना बाहरी दुनिया से बात करना, भाई साहब ये तो जरूर आएगा आपके पेपर में, लाइसन का काम है बाहर की दुनिया से बात करना। चलिए कुछ एमसीक्यूज हो रहे हैं, सिम्बोलिक ड्यूटी का काम कहाँ पे आता है, सिम्बोलिक ड्यूटी आता है फिगर हेड में। डिस्टर्बेंस हैंडलिंग कहाँ आता है, जब हम कोई दिक्कतों को सोल्व करते हैं, डिस्टर्बेंस को सोल्व करते हैं, क्राइसिस को मैनेज करते हैं। एंटरप्रेन्योर रोल का क्या होता है, जब मैं अपने मालिकों वाला काम कर रहा हूँ, कोई बदलाव करना है कंपनी के अंदर तो मैंने कर दिया, काम मालिक का है कर मैं रहा हूँ, तो इनिशिएटिव चेंज। अगला नेगोशिएटर, नेगोशिएटर रोल, ये जो नेगोशिएटर रोल है, नेगोशिएट मतलब मोल भाव करना, सौदेबाजी करना, तो ये कहा है बार्गेनिंग आ गया। रिसोर्स एलोकेटर, रिसोर्स एलोकेटर मतलब ह्यूमन, देखो कितने रिसोर्स होते हैं, चार, ह्यूमन रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स और इंफॉर्मेशन रिसोर्स। इंसानों को, सामान को, पैसों को, इंसान सामान पैसा, मैन मशीन, मटेरियल और मनी, ये जो चीज़ है क्या आता है इनमें, इनको सही काम बांटना, तेरा ये काम, तेरा ये काम, तेरा ये काम, तू इस समय आना, तू 9 बजे जाना, तू 8 बजे आना, तो हैंडलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स ना, ये तो डिस्टर्बेंस हैंडलर है। वेलकम विजिटर्स, ओहो ये तो फिगर हेड है। मॉनिटरिंग इन्फॉर्मेशन, ये तो मॉनिटर है, तो ऑप्शन हो गया ए। सेटिंग शेड्यूल, शेड्यूल मतलब 8 से 9 किया तेरा काम है, 8 से 9 आना है तेरे को, उसके बाद छुट्टी पे चले जाना है, इसे कहते हैं शेड्यूल। अच्छा स्पोक पर्सन, स्पोक पर्सन का क्या काम होता है भाई साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करना। इंटरपर्सनल का काम होता है, सॉरी इंटरपर्सनल के अंदर 3 आते हैं, इंटरपर्सनल के अंदर कौन से आते हैं सर, 3 आते हैं, तो उसमें ये जो बाकी के 3 हैं ये तो बीच वाले हैं, तो आंसर हो गया इंटरपर्सनल का फिगर हेड। इन्फॉर्मेशनल रोल, इन्फॉर्मेशनल रोल में मॉनिटर आता है कि सर ये लीडर लाइसेंस फिगर हेड कहाँ आते हैं, ये आते हैं इंटरपर्सनल में। डिसीजनल में कौन से आते हैं सर, डिसीजन आते हैं 4, कौन कौन से आते हैं देखिए, उसमें केवल स्पोक पर्सन है, सॉरी एंटरप्रेन्योर रोल है, ये मॉनिटर डिसमिनेटर और स्पोक पर्सन आते हैं, ये आता है इन्फॉर्मेशनल के अंदर। अच्छा चलिए ये आपका टॉपिक खत्म हो गया है, अब आपको इसमें दिख रहा होगा नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट, तब तक के लिए शब्बा खैर।